पिछले साल जब कार्तिक आर्यन आए थे भूल भुलैया 2 के साथ, तब सभी ऑडियंस को ये लग रहा था, सभी फैंस को ये लग रहा था कि ये मूवी जरूर फ्लॉप होगी, क्योंकि सब चाहते थे कि भूल भुलैया के साथ अक्षय कुमार ना हो तो भूल भुलैया कुछ भी नहीं। लेकिन भैया, कार्तिक आर्यन ऐसा बंदा है जिसने सभी को रॉन्ग साबित कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जादू कर दिया कि सभी रू बाबा को फिर से चाहने लगे। जिस दौर में बॉलीवुड की एक भी मूवी नहीं चल रही थी, बॉलीवुड की नाव पानी में गोते खा रही थी, उस वक्त कार्तिक आर्यन ने अपनी नाव सक्सेसफुली किनारे लगा ली और भूल भुलैया को एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित कर दी। वो दौर ऐसा था कि बहुत ही मुश्किल से बॉलीवुड की कोई मूवी चल पा रही थी और ऑडियंस बॉलीवुड की मूवीज बहुत ही कम देख रहे थे। वहां पर भूल भुलैया में कार्तिक आर्यन का आना ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था और वो बस चाहते थे कि भूल भुलैया में बस अक्षय कुमार ही हो, कार्तिक आर्यन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन बंदे ने जब मूवी रिलीज हुई तब ऑडियंस पे कुछ ऐसा जादू कर दिया कि अक्षय कुमार को लोग भूल ही गए और रू बाबा का परफॉर्मेंस उन्होंने बिग स्क्रीन पर ऐसा एंजॉय किया कि भूल भुलैया 2 सुपरहिट साबित हुई। बाद में कार्तिक आर्यन कुछ गलत डिसीजंस के कारण शहजादा मूवी उन्होंने साइन कर ली और शहजादा मूवी फुल फ्लॉप हो गई। अब रू बाबा शहजादा मूवी फ्लॉप होने के बाद तैयार है कमबैक करने के लिए भूल भुलैया पार्ट 3 के साथ। जी हाँ, कार्तिक आर्यन और फिल्म के मेकर्स ने भूल भुलैया पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने छोटा सा टीजर रिलीज कर दिया है जिसमें रू बाबा यानी कार्तिक आर्यन दिखाई दे रहे हैं और बस वही डायलॉग सुनाई दे रहा है जो हमें भूल भुलैया 2 में सुनाई दिया था। और भाई साहब, वो जो फाइनल सीन में कार्तिक आर्यन जो स्माइल करते हैं खतरनाक, बस वहीं पर वो ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं और ऑडियंस एक्साइटेड है भूल भुलैया पार्ट 3 के लिए। लेकिन कुछ फैंस अभी भी ऐसे हैं जो भूल भुलैया पार्ट 3 में कार्तिक आर्यन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि अक्षय कुमार भूल भुलैया पार्ट 3 में आए। हालांकि अक्षय कुमार का टाइम अभी बहुत ही खराब चल रहा है। अभी रिलीज हुई फिल्म सेल्फी, जो कि अच्छी थी, इतनी भी बुरी नहीं थी, वो भी उनकी फ्लॉप हो गई। सेल्फी मूवी से अक्षय कुमार को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन वो भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षय कुमार उनके करियर को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए क्या करते हैं। कुछ फैंस का और हमारा भी ओपिनियन यही है कि भूल भुलैया सबसे बढ़िया मौका होगा अक्षय कुमार को कमबैक करने के लिए और भूल भुलैया 2 के बाद हम भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन के अलावा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रू बाबा भी भूल भुलैया फ्रेंचाइज का वो पार्ट बन चुके हैं जो कि कभी अलग नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा हो कि अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन दोनों ही भूल भुलैया पार्ट 3 में साथ में वापस आ जाए तो कैसा होगा? सुनने में ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और मजा आ रहा है ना। तो सोचिए जब ये दोनों साथ में आएंगे तो कैसा होगा। अभी कुछ ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार भूल भुलैया 3 के साथ दोनों ही साथ में वापस आए। सोचिए अगर ऐसा हुआ तो बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ की क्या 1000 करोड़ की बारिश ऐसे ही हो जाएगी। हालांकि अभी बस छोटा सा टीजर ही रिलीज कर दिया है अनाउंसमेंट के तौर पर, फिल्म की बाकी की कास्ट कौन होगी, कौन कौन फिल्म में होगा या फिर स्टोरी वगैरह क्या होगी या फिर बाकी की अपडेट्स कोई भी सामने नहीं आई है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस फिल्म में मंजुलिका कौन होगी ये भी अभी तक पता नहीं है। बाकी की अपडेट्स हमें मिलेगी ही, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट्स आई है उसके मुताबिक कार्तिक आर्यन इस फिल्म में होंगे और अनीस बाजमी जी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। और ये भी बहुत ही परफेक्ट और स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि इस बंदे को पता है कि हॉरर और कॉमेडी को साथ में कैसे लाना है। फिलहाल ये न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और अगर अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन साथ में होंगे तो वो खुशी दुगनी क्या, मतलब उससे कहीं ज़्यादा ऊपर होगी। तो क्या आप भी चाहते हैं कि अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में साथ में आए? अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन बाय।